breaking news. इनरवीन क्लब नॉर्थ ने रास आयोजित कर मनाया होली महोत्सव। इनरवीन क्लब नॉर्थ ने शहर के एक होटल में होली महोत्सव मनाया, जिसमें आशीर्वाद रास मंडली ने रास से सभी का मन मोह लिया। कृष्ण, राधा और गोपियों ने अपनी प्रस्तुति से समा बांध दिया। सचिव दीक्षा सक्सेना ने कहा कि होली परस्पर एकता और भाईचारे का त्योहार है। क्लब समाज सेवा के साथ इस तरह के आयोजनों को भी करता रहता है। आज सभी सदस्यों के परिवार भी सम्मिलित हुए हैं। अध्यक्ष रूबी अग्रवाल ने बताया कि फूलों की होली और गीतों से आज होली मनाई गई। इस अवसर पर रूबी अग्रवाल, दीक्षा सक्सेना, सुमेधा अग्रवाल, गीताली अग्रवाल, नेहा अग्रवाल, अंशु अग्रवाल, एकता सक्सेना, चित्रा सिसो दिया, मीरा अग्रवाल, पंखुडी, ऋतु अग्रवाल, प्रीति खंडेलवाल, रश्मि उपाध्याय। प्रकोप चल रहा था, चल तो अधिक क्या है, इसकी वजह से वो स्पून करना पड़ा था। जाए तो आप सभी लोग होली फंक्शन में आए, इसमें ढेर सारी आपको बधाई, शुभकामनाएं और धन्यवाद। होली एक ऐसा पर्व है जो बुराइयों पर अच्छाइयों विजय का प्रतीक है और सबको अपने अंदर की जो बुराइयाँ हैं। ये स्थान आला जज ट्रस्ट का मीडिया कोऑर्डिनेटर, ये बताना चाहता हूँ कि आज जुमे का जो दिन है, इसमें एक विशेष नमाज पढ़ी जाती है। उस नमाज के बाद आला जज ट्रस्ट के पैनल ने सभी मस्जिदों के, ज़्यादातर मस्जिदों के इमामों से संपर्क कर ये अपील करी, ये कहा कि आप बाद नमाज जुमा एक खुसूसी दुआ का मुनक्किद कीजिए। जो कोरोना वायरस मूजी वायरस हमारे देश में आ चुका है, उसकी हिफाजत के लिए दुआ कीजिए। इसकी शुरुआत मस्जिद हाजी हाफिज़ इस्लाम खां से चक महमूद से हुई। वहाँ के पेश इमाम जनाब हाफिज़ उबैस रज़ा ने कहा कि हम एक विशेष दुआ मुनक्किद करेंगे बाद नमाज जुमा 3 बजे के बाद, जिसमें हम लोगों को दुआ के साथ साथ वो दुआ भी विशेष दुआ बताएंगे जो लोग पढ़ने के साथ साथ अपने घर के मकानात के दरवाजे पर लगाएं। उस दुआ, उस आयत की बरकत और फैज से लोग इस मूसी बीमारी वायरस के साथ साथ और बीमारियों से भी महफूज रहेंगे। ये पैनल तमाम जगह गया, तमाम इमामों से संपर्क करा और सबसे ये कहा कि आप लोग तमाम मसाजिद में और अपने घरों में अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा के दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हबीब के सदके में इस मूजी वायरस से हम सबको हिफाजत के, इस मूजी वायरस से हम सबकी हिफाजत करें।